ग्वालियर में जन्मदिन की खुशी में एक युवक ने आचार संहिता का मखौल उड़ाते हुए फायरिंग कर दी। फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। वायरल वीडियो पर पुलिस के अफसरों ने संज्ञान लिया, जहां जांच शुरू करने पर पता चला कि ये वीडियो गुढ़ागुड़ी इलाके का है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसमें गोलियां चलाते हुए दिख रहे युवक की पहचान की है। कार्रवाई का भी दावा किया गया है। शनिवार को ग्वालियर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मैदान में एक युवक राइफल से गोलियां चला रहा है। युवक पास से 6 गोलियां चलाता है और पास ही उसका केक भी रखा हुआ है, जिसे उसके साथ ही कटवाते हैं और फिर एक फायर किया जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। वीडियो में गोलियां चलाते हुए बालाजीपुरम का सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र सिंह कौन है ये जानकारी अभी नहीं हासिल हो सकी है। वही वीडियो भी 1 जून का बताया जा रहा है, और यदि ऐसा है तो 1 जून को नगरीय निकाय चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता भी लागू हो गई थी, जबकि वीडियो रात का लग रहा है। ऐसे में आचार संहिता में हर्ष फायरिंग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आचार संहिता में हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आने का पता चलते ही अधिकारियों ने इसे संज्ञान में लिया। SSP क्राइम राजेश दंडौतिया ने बताया कि वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है। वीडियो की जो भी सच्चाई सामने आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमें अभी खबर मिला है कि बालाजीपुरम पार्क में किसी ने बर्थडे मनाते समय एक राइफल से हवाई फायरिंग की है। एकदम ही हवाई की है, एक शॉट मारा होगा उन्होंने। उनको लग रहा होगा ये सेलिब्रेशन टाइप है, लेकिन इसमें हम पूरी जाँच करेंगे।